হিমাচল প্রদেশে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে প্রায় 50 জনের উপরে মৃত্যু। হিমাচল এলাকা শিবকলি মন্দিরে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। হিমাচলের এই ভয়াবহ দৃশ্য, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে দশ ভেঙে 50 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু। সমরহীন এলাকা 15-20 জন মাটির নিচে, হুগলিতে 13 জন, সমরহিলের কাছে শিব মন্দিরেও দশ ভেঙে পড়েছে। সমরহিলের কাছে শিব মন্দিরে দশ ভেঙে পড়েছে এবং মাটির নিচে 20-25 জন চাপা হয়ে রয়েছে এবং সিএ সেই জায়গায় উপস্থিত হন এবং চাপা খাওয়া মানুষদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। এবং 15 আগস্ট উপলক্ষে কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না, শুধু সালামি দেওয়া হবে, এই কথা বললেন। মানে যে হাই পাওয়ার মিটিং আমি বুলাই থি উসমে এক দিন মে এসি বারিশ সে এসা কোই ইতিহাস নেই মিলতা কি 50 সে অধিক মৌতে হো চুকি। हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे यहाँ चीज़ें हुई है, जो घटना हुई है यहाँ पे। लोग जो है उस टाइम पूजा का टाइम था, आरती चली हुई थी, तो लोग जो है यहाँ काफ़ी 30-35 आदमी के फंसे होने की संभावना है। हमारी छोटी एनडीआरएफ की टीम यहाँ नालागढ़ से यहाँ पहुँची है और हमारी टीम में 30 रेस्क्यूअर हैं यहाँ पे, मतलब अभी काम कर रहे हैं। और जो कि आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा मलबा था, पूरी तरह से पैक हो रखा है। अब इसको जब तक हम बड़े पेड़ काट के निकालेंगे नहीं नीचे, तब तक जो है काम करना बहुत मुश्किल होगा। अब इसी काम में हमारे रेस्क्यू साथ में लगे हुए हैं, साथ में एसडीआरएफ की टीम भी है, पुलिस ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी यहाँ पे, आईटीबीपी की भी यहाँ लगी हुई थी और आर्मी की टीम भी यहाँ ऑलरेडी लगी हुई थी। एसडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और अभी एनडीआरएफ भी यहाँ पहुंच चुकी है। भारी बारिश हो रही है और इसके बीच में बहुत जोरों शोरों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सुबह से हम एयर डेड बॉडीज निकाल चुके हैं और यहाँ जो काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसमें भरपूर लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और अभी तक हम जेसीबी से या लोगों की मदद से 8 डेड बॉडीज को निकालने में कामयाब हुए हैं और आशा कर रहे हैं। अभी एक डेड बॉडी हमें अभी थोड़ा दिखाई दिया है कि उसको निकालने की हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही निकलती है हम उसको आईजीएमसी या जस्ट के लिए भेजा जा रहा है। बाकी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी डेड बॉडीज और मिलने की आशंका है, अभी ये क्लियर नहीं है कितनी बॉडीज या कितने लोग यहाँ पे थे, फिर भी हम प्रयासरत है कि इनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। इसमें देखिए जो लोगों की संभावना हो और अंदर कम से कम 25-30 लोग जो अंदर इस वक्त सुबह जो है ये सुनने में आए, 25-30 लोग हैं जिसमें ये कईयों के परिवार अंदर हैं। ये सुबह 7 बजे का ये मंदिर हुआ है, ये सुबह 7 बजे से रेस्क्यू चला हुआ है अभी तक। जी, हम लोकल यहीं से स्थाई है, हम हमारी तरफ से जितनी भी सहायता हो सकी वो हम कर रहे हैं।